नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा कर लौटे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने तबाही के हालात देखे हैं। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ, जनहानि कम हुई है, क्योंकि पहले ही बचाव को लेकर काम कर लिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 16 तारीख को भारत सरकार की तरफ से राज्य को चेतावनी जारी कर दी गई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने सूझबूझ के साथ हालातों को देखा। इसके साथ ही सभी एजेंसियों ने समय में काम पूरा किया है। एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ सभी बारिश आने से पहले अलर्ट मोड पर रहे। गृहमंत्री अमित शाह के आने के बाद राज्य सरकार और जनता को आपदा से निपटने के लिए राहत पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन शाह ने अपने संबोधन में ऐसी किसी पैकेज की घोषणा नहीं की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुछ महीने पहले ही केंद्र की ओर से राज्य को 250 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि पहले ही पैकेज दिया हुआ है, चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पहले ही राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी अधिकारी एक्शन मोड में थे। आज सुबह यहाँ के गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री, हमारे सांसद अनिल बलूनी और भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इसका हवाई निरीक्षण किया। लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहां पर तबाही हुई है, उनकी बोलती तस्वीर देखने को मिली। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठना हुआ। एक बात ये सुनिश्चित निकल कर आई कि भारत सरकार की ओर से समय पर चेतावनी मिलने के कारण बहुत कम मात्रा में नुकसान हुआ है, कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। माली नुकसान, पानी की गति और पानी के बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जानहानि उसके प्रकोप के कंपेरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी, वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए। उत्तरकाशी में जहां एक ओर भारत सरकार की तरफ से वन बचाओ वन लगाओ की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं जिला मुख्यालय के नजदीक स्थित राजस्व क्षेत्र गोफियारा के जंगल में एक बड़े हिस्से में एक दर्जन से ज्यादा चीड़ के पेड़ सूखकर डहने के कगार पर हैं। लेकिन जंगलों की चौकीदारी करने वाले वन विभाग को क्षेत्र में इन सूखे पेड़ों की भनक तक नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि गोफियारा इलाके में अवैध अतिक्रमण की मंशा से जानबूझकर इन पेड़ों को सुखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर पेड़ सूख रहे हैं उसके ठीक सामने स्थित कुटेटी मंदिर के पास वन विभाग के पहरेदार दिन भर ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन किसी भी और इसका ध्यान नहीं जा रहा है। दरअसल कोई भी इस पर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पेड़ आप देख सकते हैं, सूखने के कगार पर दर्जनों पेड़ हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, ये पेड़ जानबूझकर सुखाए जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, ताकि इनकी तस्करी की जाए। संज्ञान में लाया गया था और इसके बाद मैंने हमारे डीएफओ साहब से और एसडीएम साहब से दोनों से रिपोर्ट मांगी है और उनको नज़र रखने पर भी बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कोई कृत्य कर रहे हैं जिनकी मंशा अतिक्रमण की हो या अन्य कोई मंशा हो, तो तत्काल उस पर विधिक कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। चमोली में नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 2 दिनों से बाधित है, जिससे वहां के कई गांव प्रभावित हुए हैं। बता दें कि 17 और 18 मई को हुए भारी बारिश के चलते तपोवन के पास सलधार में भूस्खलन से राजमार्ग बाधित है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। हालांकि सीमा सड़क संगठन राजमार्ग खोलने में लगा हुआ है, लेकिन अभी राजमार्ग खुलने में समय लग सकता है। चमोली की तस्वीरें, 2 दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित नजर आ रहा है, लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
लगातार 17, 18, 19 तारीख को जो भारी वर्षा हुई उसके कारण काफी क्षति पहुंची हुई और इसमें सीमांत पूरा नेटवर्क सिस्टम बंद हो चुका है, जिसमें कि दूरसंचार और बिजली जैसे समस्या रोड से वंचित हो गए, सभी लोग स्टॉप हो चुका है और काफ़ी समस्याएं हैं। जिस सरदार के पास से लेकर तमाम हर एक किलोमीटर में रोड ध्वस्त हुआ है और शासन प्रशासन हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं क्योंकि अभी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु प्रवास के लोग हैं वो फंसे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई कि वहाँ की स्थिति कैसी। ऋषिकेश में शहर में चल रही रिक्शा के खिलाफ टेम्पो चालक भड़क गए हैं। टेम्पो चालकों का आरोप है कि रिक्शा चालक नियम के खिलाफ हाईवे पर सवारियों को लेकर आवागमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्पो चालक की इनकम पर फर्क पड़ रहा है, जबकि शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही है। टेम्पो चालकों ने अपनी मांग को लेकर शहर भर में करीब 6 घंटे तक अपने वाहनों के पहिए जाम रखे और ARTO कार्यालय का घेराव भी किया है। ऋषिकेश की तस्वीरें, टेम्पो चालकों ने ARTO कार्यालय का घेराव किया। टेम्पो चालकों ने रिक्शा चालकों पर पूरी तरह से आरोप लगाया है कि नियम के खिलाफ जाकर ये लोग सवारियां बैठाते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग से ले जाकर जाते हैं। जब से ई रिक्शा आई है तब से यहाँ जाम की स्थिति हो गई, यातायात अव्यवस्था हो गई है और इसकी स्पीड जो है 25 से 30 है। हाईवे पर यह चलता है तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, दुर्घटना होती रहती है और हाईवे पर जाम रहता है। दूसरा, कोई भी वाहन हो उसको जनसंख्या के अनुपात से ही दिया जा सकता है। यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब और एक ही रोड है हाईवे ऋषिकेश, तो उस पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और ये उसका रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो आ गए हैं वो अपना व्यवसाय कर लें, लेकिन उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए, ये जो नेशनल हाईवे इसे खाली कराया जाए और इसमें इनको रोका जाए, जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उस पर अविलंब रोक लगाई जाए। की मांग है कि ई रिक्शा की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा है कि जो नेशनल हाईवे ऐसे रूट हैं, NH रूट हैं, उस पर संचालित ना किए जाए। तो क्या सर, जो शहर में घूमते हैं उनके लिए भी मना है? नहीं, शहर में घूमने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कुछ रूट दिया है इसमें कि जो ये मेन हाईवेज हैं उस पर ये ना चले। तो वही जो उनकी मांग यही है कि जो हाईवेज हैं उस पर ई रिक्शा ना आए और इनकी संख्या सीमित की जाए। चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पास मंडल रोड क्याकरी गांव के मूल निवासी संदीप कोहली, जो कि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना में तैनात थे, घर से देहरादून किसी काम से गए हुए थे, लेकिन वापसी में टिहरी चब्बा के पास सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कारकी लाया गया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्थिव शरीर पर फूल चक्र अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। चमोली की तस्वीरें, पैतृक गांव पहुंचा संदीप कोहली का पार्थिव शरीर, कैबिनेट मंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो चमोली की तस्वीरें, पैतृक गांव पहुंचा सुनील कोहली का पार्थिव शरीर। दरअसल वो किसी काम से बाहर जा रहे थे और तभी सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई, जिसके बाद उनका शव जो है, पार्थिव शव, उनके पैतृक गांव पहुंचा और यहां उन्हें सलामी दी गई, साथ ही साथ श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। हरिद्वार के विकासखंड बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र की सड़क को लिपा पोती करके तैयार कर दिया गया। सड़क की फिनिशिंग में प्रयुक्त हो रही पास की नदी की घटिया बालू, फिनिशिंग के लिए जो बालू इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता इस सड़क को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सड़क निर्माण सामग्री मानकों के खिलाफ है, लेकिन सड़क को बनाने वाले संबंधित विभाग के ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों से इन घटिया सामग्री के बालू को सड़क बनाने में इस्तेमाल के लिए पास कर दिया गया, जिसका फायदा सड़क बनाने वाले ठेकेदार उठा रहे हैं और सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें, सड़क की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है घटिया बालू, जिसको लेकर लगातार आवाज उठ रही है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। चमोली में नारायण बगड़ विकासखंड के डूंगरी गांव में बीती 19 तारीख को मलबे में दबे दोनों ग्रामीणों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। वहीं SDRF NDRF सहित पुलिस और राजस्व की टीम भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार खुद मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि डूंगरी गांव में पानी का स्रोत ठीक करने गए दोनों ग्रामीणों पर चट्टान का मलबा भरभरा कर गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक दोनों ग्रामीणों को ढूंढा नहीं जा सका है।
तो मलबे में दबे दोनों ग्रामीणों की तलाश अब भी जारी है। बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, पुलिस भी जुटी हुई है, लेकिन अब तक उनके शवों को बाहर नहीं निकाला गया। जो ये आलियों ढूंगरी की घटना है, बड़ी दुखद घटना है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि 19 तारीख से शाम से लेकर अभी तक वो जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति, वो मिले नहीं हैं। और यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये ढूंगरी वाली रोड खुलवा के, ताकि वहाँ पे अन्य मशीनें पहुँच सकें, जिससे भी या अन्य मशीनें वहाँ पे पहुँच पाए और जिससे कि ये दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा सके। बिंदुघट्टा शास्त्री नगर प्रथम में दुग्ध विकास समिति के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले पीएल गौतम ने जनता का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दुग्धधारक दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सरकार से मांग करेंगे और पशुओं के लिए चारा और कीटनाशक दवाओं के लिए उनके प्रतिनिधि की तरफ से सरकार से अपील भी की जाएगी। दरअसल बिंदुघट्टा में पीएल गौतम ने जनता का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपील करेंगे कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए, जो पशुओं के लिए चारा है उसके लिए भी अलग से पैसे दिए जाएं, ताकि इनकी गुजर बसर हो सके। मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जिस तरह से हमारा दुग्ध उत्पादक अपने बच्चों का मुंह मार के हमारे डेयरियों में दूध लाता है और जिस प्रकार से उसको दुग्ध उसके दूध का रेट उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और हम ये चाहेंगे कि हमारी जो कमेटी हमारी दुग्ध डेयरी में यहाँ पर विजेता हुई है, वो कमेटी अपने संकल्पित तरीके से हमारे इस दुग्ध डेयरी का संचालन सत्य और साफ रूप से और सच्चाई के साथ में दूध का दूध पानी का पानी दिखाएगी और अपने उत्पादकों को हमेशा संतुष्ट रखेगी। और सवाल ये रहा, जिस प्रकार से इस बार पिछले बार जो शासनकाल जो इनका चला था कि ये लोग मुँह देखा लोगों को इनाम घोषित करते थे और जैसे चारा आता था या दवाइयाँ आती थी ये लोग बाहरी दुकानों में बेच देते थे, लेकिन उत्पादकों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता था। इस बार हम लोगों ने ये प्रेरणा ली है कि हम हर उत्पादक को उनका चारा और उनका जो भी मुहैया उनको दूध डेयरी द्वारा होता है वो मुहैया हम लोग साफ रूप में उनको वितरण करेंगे और उनको देंगे। और इनाम जिस प्रकार से जो भी इनका बोनस इनाम होता है वो इनाम हम किसी को मुँह देखा नहीं देंगे, सबको एक समान देंगे, क्योंकि हर उत्पादक जो है वहाँ पर अपना दावेदारी करता है और हमें दूध देता है, तो हमें सबको सम्मान एक समान देना है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों की कड़ी में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने विकास भवन में संचालित कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीटीओ ने जेल संस्था, सहकारिता, आईएएस, पशु विभाग, जिला विकास अधिकारी कार्यालय सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता, जल संस्थान अनुपस्थिति पाए गए। आईएएस में दो और जिला विकास अधिकारी कार्यालय में एक कर्मी अनुपस्थित थे, जिसके बाद यहां पर जांच की गई। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से पूरे कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। निरीक्षण के दौरान कई अधिशासी अभियंता वहां पर मौजूद नहीं थे। रजिस्टर की भी चेकिंग की गई। रुड़की मंगलौर के हरचंदपुर में शिव मंदिर के तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तालाब में जाल लगाकर मगरमच्छ को पकड़ लिया है। वहीं वन दरोगा पंकज शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से सूचना मिली थी। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रुड़की से, जहाँ पर तालाब में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशालकाय मगरमच्छ से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी, वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और आखिरकार मगरमच्छ को पकड़ लिया है। तालाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल गाँव के ही पास तालाब में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग मौके पर पहुंची है और जिसके बाद सकुशल मगरमच्छ को पकड़ लिया है और जल्द ही इसे दूसरे तालाब में छुड़ा जाएगा। कोरोना का कहर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पर डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बात करें अगर रुड़की के लंढौरा के गाधर रोना की, तो वहां पर
40 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में डेरा डाल लिया है और ग्रामीणों के सैंपल लेकर लगातार जांच कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन भी डेंगू को लेकर सतर्क हो गया है, जिसके चलते 6 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। रुड़की की तस्वीरें आप देखेंगे, लगातार डेंगू तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। कई मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। दरअसल रुड़की में अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अगर रुड़की के लनहरा की बात करें तो यहाँ पर 40 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार डेरा डाले हुए है और ग्रामीणों के सैंपल भी ले रही है, साथ ही ग्रामीणों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बता रही है। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन भी डेंगू को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है, जिसके चलते 6 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। हमारे पास में आज की तारीख में 7 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 6 मरीज जो है दादा रोना के हैं और एक हमारे लोकल है यहाँ पर। और परसों एक पेशेंट हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया ठीक होने के बाद में, और जो 7 मरीज भर्ती हैं सभी की कंडीशन स्टेबल है, कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर। और प्रशासन के द्वारा हमें कल सूचित किया गया था कि काफ़ी संख्या में मरीज वहाँ से यहाँ भेजे जा रहे हैं, लेकिन जब पूरे दिन टीम वहाँ सबका एग्जामिन किया गया तो मात्र 3 मरीज कल शाम को, 3 मरीज रात में, टोटल 6 मरीज को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हमारे पास लगभग 30 बेड हम लोगों ने मच्छरदानी लगाकर पूरे तैयार कर दिए हैं, और आवश्यकता होगी तो हम और मरीज और बेड भी तैयार कर देंगे। लक्सर में उप जिलाधिकारी की तरफ से अवैध खनन परिवहन पर लगातार की जा रही कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उसी कड़ी में लक्सर उप जिलाधिकारी की तरफ से अवैध खनन परिवहन कार्रवाई की गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की तरफ से अवैध खनन परिवहन करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर सहित 8 वाहन पकड़े गए हैं। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र से अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस संबंध में उनकी तरफ से संयुक्त टीम बनाई गई है। उन्होंने बताया कि टीम की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है, उसी कड़ी में सूचना मिलने पर कार्रवाई भी की गई है। तो लक्सर में अवैध खनन परिवहन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। खनन माफियों में इससे हड़कंप भी मचा हुआ है। कई ट्रैक्टर ट्रॉली और कई वाहन जब्त कर लिए गए हैं और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आखिरकार उप जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी वैभव गुप्ता की तरफ से अवैध खनन परिवहन करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर और 8 वाहन अपनी जब्त में लिए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस संबंध में हमारे द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई है, तो इसके द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। कल भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई की गई, तो उसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर जो है वो अवैध परिवहन करते हुए पाया गया, तो उनको सीज कर दिया गया और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। लक्सर के इंद्रलोक पैलेस में मानसी संस्था की तरफ से लक्सर ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 3 दिन से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शीतल सिंह और शाहजहां सुल्ताना ने बताया कि जब नवजात शिशु होता है तो उसका वजन 0 से 28 दिन का होता है, तो उसको किस तरीके से लिया जाए, इन सभी जानकारियों के लिए उन्हें प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। देखभाल के ऊपर प्रशिक्षण था, ये 3 दिन का प्रशिक्षण था, जिसमें हमें बच्चों और गर्भवती महिलाएं, धात्री और किशोरी और किशोरों के लिए जो हम गृह आधारित देखभाल करते हैं, यानी घर रह के भी उनके साथ उनका जो उनकी समस्याएं उनका परामर्श वगैरह कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग में हमें जो चीज़ें नहीं पता थी काफ़ी चीज़ों का पता हुआ, और हमारे इस ट्रेनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी आए हैं जिन्होंने अपनी जानकारी हमसे साझा की। और जो हमारी ये मानसी एक संस्था है उसके द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें हमारी गर्भवती महिलाएं को कि हमें उनकी देखरेख कैसे करनी है और गर्भवती महिलाओं को कैसी देखरेख करनी है, उनका दौरा करना है, एवं धात्री महिलाओं के लिए कि अपने नवजात शिशु को किस तरीके से उनको देखभाल करनी है, उनको कैसे खान मतलब कि दूध पिलाना है, और यहाँ पर बच्चों का वज़न मतलब किस तरीके से लेना है, कि जब नवजात शिशु होता है कि जब 0 से 28 दिन का होता है तो उसको किस तरीके से उनका वज़न लिया जाता है,
और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद में देर रात 7 अखाड़ों ने बैठक करके अपना अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर लिया है, जिसके तहत नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को दी गई है, जबकि बैरागी अखाड़ों को महामंत्री का पद दिया गया, जिसमें राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है। तो हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर राजेंद्र दास महाराज नए महामंत्री बनाए गए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में दो फाड़ लेकिन जरूर नजर आ रही है, क्योंकि दो महामंत्री यहां पर बनाए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि हरिद्वार में अखाड़ा परिषद में देर रात करीब 7 अखाड़ों ने एक बैठक ली और बैठक करके अपना अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव भी कर लिया, जिसके तहत नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्र पुरी को दी गई है, जबकि बैरागी अखाड़ों को महामंत्री का पद दिया गया, जिसमें राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है। नैनीताल में कुमाऊं लॉन्च में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 5 परिवारों के मकान मलबे के कारण जमींदोज हो गए, जिन्हें बिरला स्कूल प्रशासन की तरफ से रात में ही सुरक्षित भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। आज व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह हेमंत रुबाली के नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी नैनीताल के अध्यक्ष अनुपम कबडवाल ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। वहीं मौके पर ही लगभग 10 से 12 दिन के राशन की व्यवस्था भी कराई गई है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, व्यापार मंडल और कांग्रेस ने परिवार की मदद की है। दरअसल नैनीताल में इन दिनों भारी बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में 5 परिवार बताए जा रहे हैं जिनके मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। ऐसे में व्यापार मंडल के लोग और कांग्रेस ने परिवार की मदद की है, 10 से 12 दिनों का राशन भी उन्हें मुहैया कराया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।